रुइया एग्रो फार्म में आपका स्वागत है। कोई भी व्यक्ति जमीन क्यों खरीदता है? हर व्यक्ति अपनी खुद की जमीन चाहता है, जिसे वो अपना कह सके, जिसकी कीमत एप्रिशिएट हो और जिससे अच्छा मुनाफा हो। शहरी जीवन से निरस हुए व्यक्ति कुछ समय दूर ग्रामीण क्षेत्र में प्रकृति की गोद में स्थित अपने सेकेंड होम में शांति से वक्त गुजारना चाहते हैं और उसी वक्त अपनी जमीन से खेती करने का मजा भी लूटना चाहते हैं और फलों और सब्जियों को उगते हुए भी देखना चाहते हैं। तो ये मौका आप लोगों के लिए लाए हैं रुइया एग्रो फार्म्स। आपके लिए हम भारत में एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्लॉट्स का, जिसे हम फ्रूट वाड़ी भी कह सकते हैं। इस ऑर्गेनिक फार्म प्लॉट्स की मार्केटिंग इंडिया प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के द्वारा की जा रही है। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जमीन का टुकड़ा ही होता है। आइए अब हम आपको इसके कारण बताते हैं। जमीन एक बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे आकर्षक और सबसे ठोस संपत्ति है। जमीन में एक और फायदा है, जमीन का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और आप उसे साथ ही साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर या बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर या बैंक की सर्टिफिकेट को आप यूज नहीं कर सकते। यदि आप मन की शांति एवं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप निसंदेह जमीन खरीद सकते हैं। जमीन में इन्वेस्ट करना ये कोई नई बात नहीं है। सालों से पूरी दुनिया देख रही है कि जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती ही जा रही है। भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है और जमीन दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण कम होती जा रही है। इस कारण भी जमीन के भाव बढ़ते हैं। जमीन के भाव सोना चांदी शेयर बाजार के भाव की तरह कभी गिरते नहीं है। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से भी अधिक मुनाफा लैंड बैंकिंग में है। हर व्यक्ति अपनी जमीन इसलिए चाहता है कि वो समय की मांग के अनुसार उससे मुनाफा कमा सके और वो घर भी बना सके। आपको तो पता ही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि लैंड बैंकिंग में उससे भी ज्यादा प्रॉफिट है। इसीलिए बड़े बड़े बिल्डर भी आजकल बड़ी बड़ी लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपके सेकेंड होम की इच्छा भी आप पूरी कर सकते हो। आमिर खान के सत्यमेव जयते प्रोग्राम से हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की प्रेरणा मिली है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से होने वाले फायदे का भी पता चला है और इसके बाद हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का डिसीजन लिया है। अब हम आपके लिए ऑर्गेनिक फार्म प्लॉट का प्रोजेक्ट लाए हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने फल और सब्जियां उगाई है और वो भी नेचुरल तरीके से। इस खेती में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रुइया एग्रोफार्म की इस योजना की विशेषता यह है कि ये सब्जियां एवं फल हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स की देखरेख में उगाई जाएंगी। सत्यमेव जयते प्रोग्राम में हमने देखा है कि कैसे किसान बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं या फ्रूट का कलर या साइज को आकर्षित बनाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और उससे स्वास्थ्य पर होने वाले भयानक नुकसान को भी पूरे भारत के लोगों ने देखा है। हमारे यहाँ रुइया एग्रो फार्म में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के बगैर नेचुरल तरीके से या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से फल सब्जियां उगा के हमारे प्लॉट के ग्राहकों का या उनके परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा बना रहे हैं। रुइया एग्रो फार्म की इस योजना की एक और विशेषता यह है कि सब्जियां एवं फल हर सप्ताह आपके घर पहुंचाए जाएंगे और जब भी आप अपने हरे भरे फार्म में जाएंगे और ताजी सब्जियां और फलों को अपने हाथों से तोड़ेंगे तो जो आनंद आपको आएगा, जो खुशी आपको मिलेगी, वो आप कितने भी पैसे खर्च करके वो खुशियां नहीं खरीद सकते। हमने जितने भी एनए प्लॉट देखे हैं, उनमें देखा है कि वो सब बैरन यानी कि बंजर भूमि है और सामान्य तौर पर एनए प्लॉट छोटे साइज के होते हैं जिसपे आपको बंगला बनाने के बाद बहुत कम जगह बचती है। तो आप शहर से दूर
सेकेंड होम के लिए जाते हो और वहां पे पाते हो एक और कॉन्क्रीट जंगल, तो आप शहर के कॉन्क्रीट जंगल से सेकेंड होम के कॉन्क्रीट जंगल में आ जाते हो। आपका हरियाली का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। लेकिन आप रुइया एग्रो फार्म में 11,000 स्क्वायर फीट की फ्रूट वाड़ी पाते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिक फल सब्जियों का आनंद उठाते हैं और आपकी जब मर्जी हो तब आप अपना बंगला बना सकते हैं। बंगला बनाने के बाद भी आपके पास बहुत बड़ी जमीन फ्रूट वाड़ी के लिए बच जाती है। एक बार एनए प्लॉट खरीदने के बाद आप उसे भूल जाते हो, लेकिन रुइया एग्रो फार्म आप सालों तक नहीं गए तो भी आप रोज अपने फार्म में उगी हुई फल सब्जियां खाके उसकी याद आपको आती रही। आपकी जमीन पर अलग अलग वैरायटी के फल फ्रूट के पेड़ पौधे उगा रहे हैं, जिससे कि आप सारी वैरायटी का आनंद उठा सको। मॉडर्न जिंदगी में हमारे बच्चे नेचुरल लाइफ को भूलते जा रहे हैं। वो लोग टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स पर ही अपना समय बिता रहे हैं। रुइया एग्रो फार्म खरीदने के बाद आप उन्हें फार्म पर ला सकते हैं। उनको प्रकृति कैसे काम करती है तो आप उन्हें लाइव प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं और बच्चे भी नेचुरल जीवन का आनंद उठा सकेंगे। जब आपके बच्चे आम या चीकू के पेड़ पर चढ़ेंगे तो आपको असीम खुशी प्राप्त होगी। आपका इन्वेस्टमेंट रोज बढ़ रहा है। तब आप अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को अपने फार्म पर ले जाते हो, वो भी आपकी फ्रूट वाड़ी देखकर बहुत आनंदित होंगे। मॉडर्न जमाने में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों को झेल रही है, जैसे बद्रीनाथ के दार्शनिक स्थलों पर हुई तबाही ही आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। ग्लोबल वार्मिंग आखिरी मुकाम तक पहुंच गए हैं। पेड़ लगाकर आप ग्लोबल वार्मिंग कम कर रहे हैं। पेड़ लगाने से बारिश भी बहुत अच्छी होती है। आपकी जमीन का टेम्परेचर बाजू वाली जमीन की टेम्परेचर से बहुत ही कम होता है। बोरीवली से मनोज साइट अवंधे विलेज जाने के लिए बोरीवली के बाद दहीसर टोलना का, वहां से सीधे मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर विरार स्टेशन से आगे जाते हैं तो दुर्वेश गांव आता है। आगे अनाम होटल से राइट टर्न। दुर्वेश गांव से 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे साइट है। पूरे रोड से बाजू में फैताना रिवर लगकर बहती है, जो कि रुइया एग्रो फार्म तक लगकर बह रही है। अब आपको दिखा रहे हैं दहीसर चेकना का, जो बोरीवली के बाद आता है। वहां से अवंधे विलेज मनोर कैसे पहुंच सकते हैं। यह डिस्टेंस 84 किलोमीटर का होता है। करीब 1.5 घंटे का समय इसके लिए लगता है। दहीसर से जाते हैं तो विरार का हाईवे क्रॉस करके आगे जाते हैं। मनोर जंक्शन से राइट टर्न, फिर नदी के ब्रिज को क्रॉस करके अवंधे विलेज पहुंचते हैं। यही पर रुइया एग्रो फार्म है। अब हम आपको लोकेशन सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं। यही है वो जमीन जो आपके लिए बनी। अब आपको बताते हैं भिवंडी से अवंधे जाने का रास्ता। भिवंडी से वाड़ा जाने वाले रोड पे बीच में कुडूस आता है। वहां से लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप अवंधे विलेज पहुंच जाते हैं। यहां तक का सफर आपका करीब 50 किलोमीटर का होता है, यानी कि करीब 1 घंटा 16 मिनट आपको समय लगता है। अभी आप सैटेलाइट इमेज के साथ रुइया एग्रो फार्म के जमीन का नक्शा देख रहे हैं और इस तरफ से नदी हमारे प्लॉट के करीब से बह रही है। यहाँ 4 प्लॉट में हमारा क्लब हाउस आएगा और यहाँ से हमारे प्लॉट में से ही गवर्नमेंट रोड जा रहा है। उसी रोड के करीब हमारे ये सारे प्लॉट हैं। आइए अब हम आपको मिलाते हैं हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विभूति जैन से। मैं इन्वेस्टरों को उनकी जरूरत के मुताबिक लैंड दिलवाने का काम करता हूँ। हमें अगर सेकेंड होम के लिए जमीन इस प्रकार से होनी चाहिए, वो प्रकृति के बीच में हो, जैसे कि पहाड़, नदी, चारों तरफ हरियाली, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पेड़, फल या फूल, 12 महीनों बहने वाली शांत नदी होना चाहिए। दूसरी चीजें जैसे कि मंदिर, जिससे कि आसपास का वातावरण पॉजिटिव बन सके। लोग तेज रफ्तार की जिंदगी जी के थक चुके हैं और उनको वीकेंड पर प्रकृति के करीब आने की और रीजनरेट होने की इच्छा होती है, जो कि शहरी जिंदगी में नहीं मिलती। रुइया एग्रो फार्म के चारों तरफ बहुत ही सुंदर पेड़ों से पूरी तरह से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। फल फ्रूट के अंदाजित 15,000 पेड़ तो हम खुद ही लगा रहे हैं।
वेतरना रिवर भी हमारे रुइया एग्रो फार्म को टच करके लगातार बहती रहती है और अपनी जमीन नदी के बहाव के उच्चतम स्तर से बहुत ऊपर है। रुइया एग्रो फार्म हमने हाईवे से केवल 14 किलोमीटर दूर ही सिलेक्ट किया है। रुइया एग्रो फार्म पालघर रेलवे स्टेशन से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अपनी साइट तक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, शेयरिंग रिक्शा यानी कि टमटम भी रुइया एग्रो फार्म तक जाते हैं। जमीन के पास गांव होना हर तरह से लाभदायक होता है। अपनी जमीन के पास सुंदर अवंधे विलेज है जहाँ पर 500 शांतिप्रिय लोग रहते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय खेती है। अपने प्लॉट के लिए हाईवे से टर्न मारते हैं तो दूरवेश के टर्निंग पर सुंदर जैन मंदिर भी है। रुइया एग्रो फार्म की जमीन 12 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इस प्रोजेक्ट में करीब 11,000 फीट के फार्म प्लॉट बना रहे हैं। रुइया एग्रो फार्म के प्रत्येक प्लॉट वास्तु के अनुसार बनाया गया है। प्लॉट के लिए प्रॉपर अप्रोच रोड बनाया है, स्टील गेट, 10,000 लीटर पानी की ड्रिप सिस्टम यानी कि हर पेड़ और सब्जी के पौधे के लिए बूंद बूंद से सिंचाई की व्यवस्था, मालिक के रहने के लिए 10x10 का रूम भी हर प्लॉट में है। हर प्लॉट की खेती के औजार हम प्लॉट में दे रहे हैं। हर प्लॉट में करीब 84 लॉन्ग टर्म ट्री लगा रहे हैं। ये पेड़ 15 फीट x15 फीट के बीच में आएंगे और जब तक ये पेड़ बड़े नहीं हो जाते तब तक हमारे पास यह जमीन खाली पड़ी रहती है। इसलिए इन पेड़ों की इंटरक्रॉप में केला, पपाया जैसे 70 पेड़ लगा रहे हैं जो कि 9 महीने से फल देना चालू करेंगे और हम 3 साल तक के फल ले पाएंगे और इसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म ट्री भी बड़े हो जाएंगे और उनके बीच में जगह भी नहीं बचेंगी और लॉन्ग टर्म ट्री फल देना शुरू कर देंगे। 3 साल तक इन क्रॉप से फल आएंगे और इसके बाद लॉन्ग टर्म ट्री से फल आएंगे। और हमने आपको जो प्लॉट पर फेंसिंग दी है, प्लॉट की सिक्योरिटी के लिए 236 दूरिया दूधी के बेल लगाएंगे जिनको हर सप्ताह आपके घर पहुंचाएंगे और सब्जी 2,240 फीट में लगाएंगे, उसमें करीब 1,500 पौधे आएंगे। वेजिटेबल उगने के लिए केवल 1 से 3 महीने का ही समय लगता है। हर प्लॉट के लिए हम एक माली भी फिक्स पगार पर रखेंगे जिनका काम होगा प्लॉट और पेड़ पौधों को मेंटेन रखना, खाद पानी देना, सब्जी फल तोड़ना और हर सप्ताह डिलीवरी एजेंसी को फल सब्जी की बास्केट भर कर देना। रात के लिए हमने कॉमन सिक्योरिटी के लोग भी रखे हैं जो कि माली के सोने पर सारे प्लॉट की सिक्योरिटी करेंगे और आपके फल फ्रूट की डिलीवरी के लिए हमने डिलीवरी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो समय समय पर आपके फार्म में उगे हुए फल सब्जियों को आप तक समय पर पहुंचाएंगे। अब हम आपको प्लॉट के साथ जुड़ी हुई कॉमन फैसिलिटी के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि फुल टाइम हॉर्टिकल्चरिस्ट हमने रखे हैं जिनका काम होगा कि आपके पेड़ों में लगने वाली बीमारी को ढूंढना और उसका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से इलाज करना, ज्यादा ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक खाद के सही इस्तेमाल को देखना, माली को खेती के बारे में समझाना, सारे एग्रीकल्चर सिस्टम को नेचुरल तरीके से चलाना। हम प्लॉट पर कंसल्टिंग हॉर्टिकल्चरिस्ट भी रख रहे हैं जो कि महीने में 2 बार पूरे दिन के लिए विजिट करेंगे जिनका काम होगा नई नई टेक्निक्स फुल टाइम हॉर्टिकल्चरिस्ट को बताना और पेड़ों की बीमारी के नए इलाज बताना। हम हमारे प्लॉट में गणेश जी का मंदिर भी बना रहे हैं जिसके दर्शन से आपका कल्याण हो। और अब हम वाटर एक्सपर्ट से पानी की व्यवस्था की जानकारी लेते हैं। मैं यश देवेंद्र शाह, देव एंटरप्राइजेस से। हमने आपके 30 एकड़ यानी 96 प्लॉट के लिए हाइड्रोनोमेटिक ऑटो कंट्रोल वाटर सप्लाई सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। स्टैंड बाय प्रोविजन के लिए नदी में भी 5 लाख लीटर पर डे के हिसाब से पंप से इंस्टॉल किए गए हैं। हमें इस प्रोजेक्ट में दोनों बोरिंग से जो पानी मिला है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमने डीजल जनरेटर सेट का भी प्रबंध किया है ताकि कभी पावर जाता भी है तो भी नलों में लगातार पानी आता रहे। खेती के लिए ली गई सरकार से पानी के लिए बिजली उसके लिए केवल 70 पैसा ही देना हो। और हमने आपका बोरवेल और पंप इस प्रकार इंस्टॉल किया है कि जिससे आपका बिजली का बिल कम से कम है। सारे प्लॉट में
प्रेशर से पानी मिलने के लिए हमने प्रेशर पंप इंस्टॉल किए। अब हम आपको ड्रिप सिस्टम एक्सपर्ट से मुलाकात कराते हैं। उनका नाम है मिस्टर प्रशांत जाधव। मैं प्रशांत जाधव, कोठारी एग्रीकल्चर से। हम लोग एग्रीकल्चर के लिए ड्रिप सिस्टम मैन्युफैक्चर करते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जगह जगह जाकर इंस्टॉलेशन भी करते हैं। ड्रिप सिस्टम से पानी डायरेक्ट रूट जोन में मिलता है, जिसके वजह से पानी की बचत होती है और अनवांटेड क्रॉप या ग्रास भी नहीं उगते, और उन्हें कट करने के लिए जो लेबर चार्ज लगता है उसकी भी बचत होती है। ड्रिप सिस्टम की वजह से पेड़ को पानी उतना ही मिलता है जितना उसे जरूरत होती है, और पानी की बचत की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचता है। रुया एग्रोफार्म ने हमसे ऑटोमेटिक मशीनरी भी ली है, जिसकी वजह से किसी आदमी की जरूरत नहीं रहती कि वो प्लांट को बंद या चालू करे। टाइमर के हिसाब से पानी अपने आप बंद या चालू हो जाता है। टोटल प्रोजेक्ट के लिए रुया एग्रोफार्म ने हमसे फर्टिलाइजेशन मशीनरी भी ली है, जो ड्रिप सिस्टम को चोका होने से रोकता है। हर पेड़ पौधों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है, सो रुया एग्रोफार्म ने हमसे वो मशीनरी भी ली है जो हर पेड़ और पौधों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन सप्लाई करता है। ये हमारा सैंपल प्लॉट का मॉडल है, जिसकी साइज 45 फीट बाय 240 फीट है, जिसका टोटल स्क्वायर फीट 11,000 होता है। यह आपका 15 फीट का गेट है। एंट्रेंस पर यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर भी पेड़ है, लेकिन सर्वेंट रूम नहीं दिखता था, इसलिए हमने पेड़ नहीं लगाया। ये सर्वेंट रूम है। अब हम आपको मिलाते हैं हमारे एग्रीकल्चर कंसल्टेंट से, जिनका नाम है मिस्टर गौतम अनिल पाटिल। नमस्ते, मैं गौतम पाटिल। मैंने बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर की डिग्री ली है। मैं 10 साल से नर्सरी फार्म का व्यवसाय कर रहा हूँ। मैं रुया एग्रो फार्म में एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हूँ। मैंने रुया एग्रो फार्म की मिट्टी को लैबोरेटरी से टेस्ट कर लिया है, जो खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है। रुया एग्रो फार्म का बोरवेल का पानी हमने लैबोरेटरी से टेस्ट कर लिया है, जो कि खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमने फुल टीम में हॉर्टिकल्चरिस्ट 24 आवर साइट पे ही रखा है, जो कि फार्म लेबर माली को गाइड करके फल और सब्जियों का मेंटेनेंस करवाएंगे। हम लोग फुल टाइम हॉर्टिकल्चरिस्ट को न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेथड की जानकारी देंगे। हमें लोगों के प्लाट का काम फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए दिया गया है। हम लोग महीने में साइट पर 2 दिन विजिट करेंगे। हम लोग फुल टाइम हॉर्टिकल्चरिस्ट को न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेथड की जानकारी देंगे, जिससे कि रुया एग्रो फार्म की अच्छी तरह से ग्रोथ हो। हमने अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाए हैं, जिससे कि आपको अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स खाने को मिले और कोई एक फ्रूट की अधिक मात्रा में ना मिले। अब हम आपको मिलाते हैं हमारे दूसरे एग्रीकल्चर कंसल्टेंट से, जिनका नाम है मिस्टर साफल्य नरेंद्र थोरात। नमस्कार, मेरा नाम साफल्य थोरात है। मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री दापोली यूनिवर्सिटी से की है और कम से कम 4 वर्षों से एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। मुझे रुया एग्रो फार्म में एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी का सुनहरा मौका मिला है, जिसमें एक्सपर्टाइज और अपने अनुभव के आधार पर मैं आधुनिक तकनीक यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा और ज़मीन को सुंदर बनाऊँगा। हमने रुया एग्रो फार्म में ग्राफ्टेड यानी कलाम के पेड़ रिप्यूटेड नर्सरी और कृषि विश्वविद्यालय से लेके लगाए हैं और बायोटेक लेबोरेटरी से केले के टिश्यू कल्चर प्लांट किए हैं, ताकि ज़्यादा उत्पादन मिल सके और अच्छी क्वालिटी मिल सके। केमिकल फर्टिलाइजर से खेती वाली ज़मीन जो 10 से 15 सालों में बंजर हो जाती है, इसका कारण ये है कि ज़मीन के नीचे जो जीव जंतु पेड़ उगाने में सहायक होते हैं, इस फर्टिलाइजर से नष्ट हो जाते हैं। इसकी जगह हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ज़मीन के नीचे रहने वाले जीव जंतु हष्ट पुष्ट हो जाते हैं और अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। इसके लिए हम फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर, बकरी की लेड़ी और नीम के का उपयोग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से पेड़ पौधों की लाइफ अच्छी हो जाती है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे कि नीम का ऑयल, गौमूत्र, इनका हम हर 15 दिनों में छिड़काव करेंगे, ताकि पेड़ पौधों को हानिकारक कीट के प्रभाव से बचा सकें।
हमने आपकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए रुइया विलेज क्लब एंड रिसोर्ट की मेंबरशिप फ्री देने का निर्णय लिया है। और ये क्लब रुइया एग्रोफार्म के बगल में ही बन रहा है। इस क्लब में आपको 21 नाइट्स फ्री स्टे करने को मिलेगा और क्लब की सारी फैसिलिटीज भी यूज करने को मिलेगी और सारी चार्जेबल फैसिलिटी डिस्काउंटेड रेट पर मिलती है। ये क्लब फैसिलिटी आपको करीबन एक साल के अंदर शुरू हो जाएगी। रिजॉर्ट में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, जैसे कि मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, टेबल टेनिस, चेस, जिम, रेन डांस फैसिलिटी, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, लैंडस्केप गार्डन, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, हॉर्स राइडिंग, एग्जोटिक बर्ड पार्क, एम्पल कार पार्किंग का आप खुद का फार्म हाउस या बंगला जब भी चाहे तब बना सकते हैं। आपको तो मालूम ही है कि एक बंगला बनाने में करीब फर्नीचर के साथ कम से कम 30 लाख रुपए का खर्च आता है। हो सकता है कि आप बंगला कुछ समय रुक के बनाएं। आपके प्लॉट लेने के बाद प्लॉट पर रहने की उलझनों को दूर करने के लिए डेवलपर ने केवल आपके लिए अवंदे रिसोर्ट एवं क्लब की मेंबरशिप का अरेंजमेंट किया है, जहां पर आपको 21 नाइट्स का फ्री स्टे हर साल बार बार मिलता है। ये बेनिफिट जब तक आप प्लॉट ओनर है तब तक है, और अगर आप प्लॉट बेच देते हैं तो ये मेंबरशिप न्यू प्लॉट बायर को अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। आपको रूम रेंट बिल्कुल मुफ्त है, केवल आपको यूटिलिटी चार्जेस भरने होंगे। आप 21 नाइट्स को किसी भी कॉम्बिनेशन में उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा नाइट चाहे तो आप डायरेक्टली रिसोर्ट में पेमेंट करके ले सकते हैं। आइए अब हम मिस्टर महेश शर्मा एंड मिसेस स्मिता महेश शर्मा से बात करते हैं। नमस्ते। रुइया एग्रोफार्म ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। रुइया एग्रोफार्म हमें 11,000 स्क्वायर फीट जगह देता है, और जो कि बहुत बड़ी जमीन है, और इसमें हम खेती भी कर सकते हैं, पेड़ भी लगा सकते हैं। और रुइया एग्रोफार्म पेड़ साथ के साथ हमें रेडीमेड लगा के भी दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन, हाईवे और बस स्टैंड जो है बिल्कुल इसके पास पड़ता है, और जो बच्चों की खेलने का एनवायरनमेंट है यहाँ पर वो भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर हमें फुल फर्निश्ड कॉटेज जो है वह मुफ्त, और फुली जो है हमें क्लब की सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ हमें ऑर्गेनिक फल और जो सब्जियाँ हैं वह बिल्कुल फ्रेश खाने को मिलती हैं, और यह तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और इसका फायदा मुझे भी और धरती के सभी लोगों को भी। यह बहुत बढ़िया प्लान है। रुइया एग्रोफार्म को मैं सैल्यूट करता हूँ। यह जो जगह है वह नदी और पहाड़ के बिल्कुल पास है, जो कि बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन है, जो कि लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। हमें रुइया एग्रोफार्म जैसा ही प्रोजेक्ट चाहिए था जो हमें मिल गया। आइए अब हम वास्तु कंसल्टेंट मिस्टर तुषार दावड़ा से मिलते हैं। नमस्कार, मैं तुषार दावड़ा रुइया एग्रो फार्म्स में वास्तु और फेंगशुई का कंसल्टेंट हूँ। रुइया एग्रो फार्म्स में जो भी प्लॉटिंग की जाती है तो उसकी वास्तु और फेंगशुई विधि से पूरी तरह से जांच परख करने के बाद में ही प्लॉटिंग करते हैं। किसी भी प्लॉट के चारों दिशाओं का साइज क्या है, किस किस डायरेक्शन में किस तरह से मेन गेट आएगा, उसका साइज क्या रखना चाहिए, किधर आपका बंगला बनेगा, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए प्लॉटिंग करते हैं। और परफेक्टली मेजरमेंट के साथ में उसको हम सर्टिफाई करते हैं। तो ये क्लियर है कि जो भी प्लॉटिंग या प्लॉट्स आप लेने जा रहे हैं तो पूरी तरह से वास्तु फेंगशुई विधि से जांच पड़ताल करने के बाद ही सर्टिफाइड किया जा रहा है।
आइए अब हम डॉक्टर से बात करते हैं कि उनको हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर हूँ। आपने कहावत तो सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्थी हैं तो आप अपनी जिंदगी और वेल्थ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो वह आपकी जिंदगी का सही दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दूसरा कदम है कि आप प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ, जिससे कि वह आपकी खराब सेल्स को, उसकी ऑक्सीजन वह आपकी खराब सेल्स को अच्छे से मजबूत कर सके और रिपेयर कर सके। रुइया एग्रोफार्म, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में है। अगर आप अपना वक्त वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिताते हैं तो उसकी ऑक्सीजन से आप हेल्दी बन जाएंगे और आपका शरीर मजबूत होगा। रुइया एग्रोफार्म का एनवायरनमेंट बच्चों को प्रकृति के करीब लाता है और उन्हें पेड़ पौधों, सब्जी, फ्रूट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स के बारे में भी सीखने और समझने को मिलता है। और समझाने के लिए मौजूद है हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट जो कि फार्म पर फुल टाइम अवेलेबल है और बच्चों बड़ों को फार्म की एग्रीकल्चर टूर कराएंगे। आइए अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर विनोद अरुणवाल जी से बात करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम आज के इनकम टैक्स कानून के हिसाब से टैक्स फ्री है और इनकम टैक्स कानून के हिसाब से एग्रीकल्चर जमीन खरीदने और बेचने पर होने वाले मुनाफे यानी कि कैपिटल गेन पर भी इनकम टैक्स फ्री है। आप इसे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछ सकते हैं। लैंड में इन्वेस्टमेंट करना सारे इन्वेस्टमेंट से अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आइए हमारे कानूनी सलाहकार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट नागेंद्र शुक्ला हूँ। डेवलपर का टाइटल और कन्फर्मिंग पार्टी का टाइटल क्लियर और मार्केटेबल है। कन्फर्मिंग पार्टी का नाम 7/12 यानी कि टाइटल डॉक्यूमेंट पर दिखता है। आपका प्लॉट परचेज का पेमेंट करने के बाद में आपके नाम पर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टाइटल डीड की कॉपी मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ही जमीन के मालिक हो गए। वाओ, मैं हमेशा फलों और वेजिटेबल को तोड़ने का मजा लेना चाहती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। मुझे बस एक अच्छी जमीन की तलाश थी। फिर मैंने प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में भाग लिया, देखा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। फिर मैं रुइया एग्रोफार्म में विजिट की, देखा इससे अच्छा कहाँ फैसिलिटी मिल सकता है। फिर मैं संतुष्ट हो गई और तुरंत मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सपनों का स्वर्ग खरीद लिया है। ये जमीन मुझे मेरे पूर्वजों से नहीं मिली और ना ही मेरे फैमिली वाले और फ्रेंड्स से मिली है। मैंने खुद खरीदी है ये जमीन और मैं इसको और भी मेंटेन करके मेरे फ्यूचर में होने वाले बच्चों को देना चाहती हूँ। रुइया एग्रोफार्म के बारे में कुछ सवाल बार बार पूछे जाते हैं जिनके जवाब अब हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि आपके प्लॉट का बुकिंग अमाउंट कितना है। हमारा प्लॉट पूरा डेवलप होकर रेडी है और डेवलप प्लॉट की पूरी पेमेंट एक बार में करनी है। अगर जो प्लॉट आपने सिलेक्ट किया है और वो रेडी नहीं है तो बुकिंग अमाउंट 20% देना है और बैलेंस पेमेंट प्लॉट रेडी होने पर देना है। साइट तक पहुंचने का रास्ता कैसा है? हाईवे से फार्म तक की 14 किलोमीटर की सड़क ग्राम पंचायत की सड़क है जिसपे ट्रैफिक ना के बराबर है और आप रास्ते के शांत वातावरण से होते हुए चारों तरफ ग्रामीण नजारों का लुत्फ उठाते हुए साइट तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में आपको गाय, बकरियों, मुर्गियों का झुंड भी देखने को मिलेगा जो कि आपको और आपके बच्चों को बहुत ही आनंद देता है। कहीं कहीं पर आपको खड्डे भी मिलते हैं, खड्डों पर भी आपकी गाड़ी आराम से जाती है। अगर ये सड़क सीमेंट कंक्रीट की होती तो आपको ग्रामीण परिवेश का मजा नहीं आता था। प्लॉट मेरे नाम पर कब ट्रांसफर होगा? जैसे ही आप फुल एंड फाइनल पेमेंट देते हो आपका रजिस्ट्रेशन आपके फेवर में रजिस्टर किया जाएगा और रजिस्ट्री के बाद आपको प्लॉट की डाटा डील मिल जाती है जिसका मतलब है कि प्लॉट आपके नाम हो गया। मेरा नाम 7/12 पर दिखेगा क्या? जी हाँ, आपका नाम 7/12 पर दिखाई देगा। मेरे पास एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं एग्रीकल्चर जमीन कैसे खरीद सकता हूँ? आप हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्लॉट पर बैंक लोन मिलता है क्या? रजिस्ट्रेशन के बाद आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे हमारे यहाँ कई सारे बैंक हैं जो एग्रीकल्चर लैंड पर लोन नहीं देती, फिर भी आप बैंक में इंक्वायरी कर सकते हो। क्या कंपनी हमारे लिए बंगलो बना कर देगी? हाँ,
कंपनी ने कई सारे कॉन्ट्रैक्टरों को जोड़ा है जो आपको आपके मन मुताबिक बंगलो बनाकर दे सकते हैं। बंगलो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चार्जेस हैं? आप हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से बात करके रेट ले सकते हैं। मैं कितने प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ? हमने ग्राम पंचायत से कंस्ट्रक्शन की परमिशन ली है और इससे ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। क्या मैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बदल सकता हूँ? हाँ, आप बदल सकते हो। क्या मुझे 11,000 स्क्वायर फीट से छोटा प्लॉट मिल सकता है? इस प्रोजेक्ट में आपको 11,000 स्क्वायर फीट से छोटा प्लॉट नहीं मिल सकता, लेकिन आप अपने दोस्त या फैमिली मेंबर्स के साथ जॉइंट में ये प्लॉट ले सकते हो। कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल्स के पौधे आप लगा के दे रहे हो, इस बारे में हमारे वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या मैं फ्रूट के पौधों को चेंज कर सकता हूँ? जो प्लॉट अभी हमने डेवलप किए हैं उनमें आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वेजिटेबल्स के प्लॉट में आप लोग हर 3 महीने में चेंज कर सकते हो। क्या मैं अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को मार्केट में बेच सकता हूँ? जी हाँ, ये आपकी अपनी संपत्ति है। मुझे प्लॉट खरीद कर क्या फायदा होगा? बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता है, पर यहाँ आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि जमीन के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ आपकी इस जमीन पर फ्रूट के पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, तो आपकी जमीन की कीमत भी बढ़ रही है और साथ ही साथ डिविडेंड के तौर पर ऑर्गेनिक फ्रूट और सब्जियां भी आपको मिल रही है। एनए प्लॉट में आपको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो ये है ना आपके लिए फायदे का सौदा। अगर मुझे मेरी बुकिंग ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए क्या चार्जेस हैं? आपको 2% प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा बस। मुझे अगर रुपयों की जरूरत पड़े तो क्या करना होगा? लैंड एक लिमिटेड कमोडिटी है और इसकी डिमांड रोज बढ़ती जा रही है। एक बार आपने जमीन खरीद ली तो आप पाते हैं फ्री होम लैंड विथ टाइटल डी। आप उसे मार्केट में कभी भी और किसी को भी बेच सकते हो और डायरेक्ट आप ही उसका स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो हमारी किसी भी मदद के बिना। मुझे प्लॉट बेचना है तो इसमें कोई लॉकिंग पीरियड है या नहीं? जी नहीं, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं। मेंटेनेंस चार्जेस कितना देना होगा? मेंटेनेंस चार्जेस जानने के लिए आप हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। हमें प्रपोज रिसोर्ट की फैसिलिटी कब से मिलेगी? जैसे ही रिसोर्ट रेडी हो जाएगा। रिसोर्ट कंपनी ने बताया है आपको 1 साल में ही रिसोर्ट की फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाएगा। क्या वैतरना रिवर बरसात में सेफ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हमारी जमीन नदी से बहुत ऊपर है। साइट के आसपास मेडिकल फैसिलिटी या एम्बुलेंस है? हाँ, एम्बुलेंस है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको हमारे वेबसाइट पर दिखा रहे हैं। चेक किसके नाम से देना है? चेक आपको बेलसियो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से देना होगा। इस प्रोजेक्ट को किसने डेवलप किया है? इस प्रोजेक्ट को बेलसियो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। A14 रोलेक्स अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, SV रोड, मलाड वेस्ट, मुंबई 40064। लिस्ट ऑफ टोटल ट्रीज ऑन द प्लॉट: आम के 14 पेड़, गुआवा पेरू का 1 पेड़, सपोटा चीकू का 1 पेड़, जैक फ्रूट पनस का 1 पेड़, लेमन नींबू का 1 पेड़, सीताफल के 2 पेड़, वाटर एप्पल, सफेद जामुन के 6 पेड़, चेरी के 2 पेड़, करवन के 24 पेड़, कोकोनट नारियल के 6 पेड़, काला जामुन का 1 पेड़, केशुनट काजू के 2 पेड़, आंवला के 2 पेड़, कड़वा नीम का 1 पेड़, बोगविला के 20 पेड़। हम आपके प्लॉट में इंटरक्रॉप के 70 पेड़ लगा रहे हैं, जिनके नाम हैं अनानास के 8 पौधे, केले के 17 पौधे, पपाया के 16 पौधे, सेंग फल के 6 पौधे, कड़ी पत्ता का 1 पौधा, दालचीनी के 2 पौधे, लवंग के 2 पौधे, तेज पत्ता के 2 पौधे, फ्लावर फूल के 5 प्लॉट, 7.5x7.5 के कॉर्न यानी भुट्टे के 2 पौधे, पल्से साल के 4 पौधे, ग्राउंड नट मूंगफली के 2 पौधे, कामरक का 1 पौधा, अनार का 1 पौधा, मिनी ऑरेंज संतरा का 1 पौधा, लेमन ग्रास चाय पत्ती 7.5x7.5 यानी कि 56 फीट में, बरसात के मौसम में होने वाले बेल 236 पौधों के नाम, तोनली यानी कि कुंदरू के 100 पौधे, बॉटल गार्ड लौकी के 50 पौधे, ब्लैक पैम्पर काली मिर्ची के 50 पौधे, मघाई के 6 पौधे, बरसात के मौसम में 2240 स्क्वायर फीट में होने वाली सब्जियों के नाम, भिंडी 448 स्क्वायर फीट में, पॉज गार्ड 224 स्क्वायर फीट में, पम्पकिन
224 स्क्वायर फीट में, पदवाल 224 स्क्वायर फीट में, कुमकुम्बर ककड़ी 248 स्क्वायर फीट में, चावली 448 स्क्वायर फीट में, स्वीट कॉर्न मकई 224 स्क्वायर फीट में। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग हमारी कंपनी इंडिया प्रॉपर्टी मार्केटिंग कर रही है, जिसका एड्रेस है 18/2 साईनाथ रोड ऑफ SV रोड नेक्स्ट टू MTNL बिल्डिंग नियर सबवे मलाड वेस्ट मुंबई 40064। ईमेल आईडी ruhyaagrofarm@gmail.com, वेबसाइट www.ruhyaagrofarm.com, कॉन्टैक्ट नंबर 9029063468, टेलीफोन नंबर 0222844-5102। ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है। जो माल रुपये में बिकता है वो अगर ऑर्गेनिक है तो डॉलर में बिकने लग जाता है। और नेपाल एक ऐसी भूमि है जहां ये संभव है। भारत में सिक्किम एक राज्य आपके पड़ोस में ही माना जाएगा, सिक्किम ने पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया अपने आप, और उसके कारण उसका विश्व में एक नया मार्केट खड़ा हुआ है। अगर नेपाल उस दिशा में जाना चाहता है, मुझे खुशी होगी आपको मदद करने की। तो कृषि आधुनिक हो, कृषि वैज्ञानिक हो, उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इसके लिए आप जरूर ही कुछ न कुछ सोचेंगे। सिक्किम में छोटा सा राज्य है, बहुत कम आबादी है, लेकिन उस छोटे से राज्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत ही निकट भविष्य में सिक्किम प्रदेश हिंदुस्तान के लिए गौरव देने वाला ऑर्गेनिक स्टेट बनने जा रहा है। वहां के हर उत्पादन ऑर्गेनिक होने वाला है। आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक खेत उत्पादन की बहुत बड़ी मांग है। होलिस्टिक हेल्थ केयर की चिंता करने वाला एक पूरा वर्ग है दुनिया में, जो मांगो उतना दाम देकर के ऑर्गेनिक चीजें खरीदने के लिए कतार में खड़ा है।
ये ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए सिक्किम के किसानों ने जो मेहनत की है उसको जोड़ करके अगर हम इस योजना को आगे बढ़ाएं तो दूर सुदूर हिमालय की गोद में बैठा हुआ सिक्किम प्रदेश कितनी बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है। Thank you.